प्लान को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया मैकेनिज्म डेवलप हुआ है। उस क्रम में आगरा में कितने ऐसे मोबाइल हैं जो सिम हैं जिनको डीएक्टिवेट किया गया है, उनको ब्लॉक किया गया है? देखिए, साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड हमारे साथ हमारे सामने एक नए तरह का चैलेंज बन के सामने आया है, जो कि एक वाइट कॉलर क्राइम है। लोगों को लगता है कि किसी के साथ मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसको उतना सीरियसली, उतना सिंसियरली वर्कआउट करने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंस बन के सामने आ रहा है, जिसको लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनके तहत हमने लगभग 700 के आसपास मोबाइल्स और उनके सिम्स डीएक्टिवेट करवाए हैं। इनके जो जो हैकर्स हैं, जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं, उसके अलावा इनके जितने भी अकाउंट्स हमारे सामने आते हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम फ्रीज करवाते हैं, और जो उसमें से हमें डाटा लिंक्ड फ़ोन्स का मिलता है उनको भी हम ब्लॉक करवाते हैं। जितनी भी इसकी मनी ट्रेल है उसको ट्रेस करने का हमारा प्रयास होता है। मनी ट्रेल के अलावा जो भी इनसे कनेक्टेड, इनके डाटा सेंटर से कनेक्टेड जो भी मोबाइल्स हैं उनको हम फ्रीज़ करवाते हैं, ब्लॉक करवाते हैं और निष्क्रिय करते हैं। उसमें काफ़ी हद तक साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने में मदद मिली है, लेकिन फिर भी ये लगातार हमारे लिए चैलेंज रहता है, जिसको हम मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के माध्यम से टैकल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा साइबर सेल और जो हमारा साइबर विंग है वो पब्लिक को अवेयर करता है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और उसके अलावा जगह जगह जाके वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। उसके साथ हम अपने भी पुलिस के जो हमारे सबॉर्डिनेट रैंक्स हैं और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे के या टेस्ट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो ट्रेंड हों, अवेयर हों, दक्ष हों, बेटर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ, बेटर तरीके से इन फ्रॉड्स को हैंडल कर पाएँ। अभी कल ही दूसरी बार हमने अपने कमिश्नर लेवल का टेस्ट अलग अलग लेवल्स पे किया था, जिसमें हमारे सभी रैंक्स के ऑफिसर्स जो हैं भारी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने, उनकी रैंकिंग की गई, उनको पहले स्टडी मटेरियल दिया गया था, उस स्टडी मटेरियल से उनके अलग अलग टेस्ट प्रिपेयर किए गए। अब आगे भी श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, ये पब्लिक को अवेयर करने का और हमारी पुलिस टीम को दक्ष करने का हमारा प्रयास है, और उसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड करने वाले, जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ लीगली जो भी चीज़ हम कर सकते हैं, चाहे उनके सिम ब्लॉक करना, चाहे उनके मोबाइल्स ब्लॉक करना, चाहे उनकी वेबसाइट्स ब्लॉक करना, या इसके साथ साथ उनके अकाउंट्स फ्रीज करना जिसमें उनके इस पूरे क्राइम के प्रोसीड्स जाते हैं। साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जब से नई व्यवस्था लॉन्च की है, तब से आगरा पुलिस भी साइबर अपराधियों के मोबाइल पर ताला लगा रही हैं, आर्थिक चोट कर रही हैं, और ऐसे में जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक अभी तक 5 महीनों में 719 मोबाइल पूरी तरह से कंडम हो गए हैं। दरअसल जो नई व्यवस्था के तहत IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा रहा है, और ऐसे में आगरा में लगातार साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराध बढ़ रहे थे, और ऐसे में जो साइबर क्राइम सेल है उसने मई महीने तक 719 मोबाइल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, उनका दरअसल उनका IMEI नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे में उस जो फ़ोन है जिसमें जिसका IMEI ब्लॉक किया गया है वो पूरी तरह से अब कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है, और अब कोई भी सिम उसमें डाली जाएगी तो वो फंक्शनल नहीं रहेगी। तो कुल मिला के साइबर अपराधियों पर आर्थिक चोट आगरा पुलिस की साइबर क्राइम सेल कर रही है, और इसके लिए बाकायदा जो पुलिस अफसर हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके भी इंटरनल एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, ताकि वो साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है उसको समझ सकें, और इसके लिए कहीं ना कहीं लगातार ट्रेनिंग का दौर भी चल रहा है, वर्कशॉप भी कराई जा रही हैं। और जिस तरह से 719 मोबाइल अगर ख़राब हुए हैं, कंडम हुए हैं, और अगर एवरेज 10,000 रुपये उसका मोबाइल का माना जाए तो करीब 70 लाख से ज़्यादा के मोबाइल ख़राब हो चुके हैं, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। तो कुल मिला के आगरा पुलिस का जोर इस बात पर है कि साइबर अपराधियों को कैसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि वो इस जो पूरा जो अपराध है उसमें प्रभावी कमी देखने को मिले। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।